तेलंगाना में ना कोई विधानसभा चुनाव है ना कोई दूसरे चुनाव, बावजूद इसके वहां की सियासत में हलचल जारी है। इसकी वजह है मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव के दिल में मची उथल पुथल। वो ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे सूबे में मुख्यमंत्री का ही चेहरा बदल जाएगा। तो कौन हो सकता है नया सीएम और क्यों पद से हटना चाहते हैं चंद्रशेखर राव, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना में इन दिनों सीएम का चेहरा बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जल्द ही अपने बेटे केटी रामा राव को अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। टीआरएस के कई नेताओं का कहना है कि केसीआर फरवरी में बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इसकी वजह उनका राजनीति से संन्यास लेना नहीं है, बल्कि वो प्रदेश की राजनीति से उठकर अब केंद्र की ओर रुख करने का विचार बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केसीआर अब राष्ट्रीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने केटीआर को टीआरएस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। केटीआर को पार्टी और सरकार में नंबर दो पर देखा जाता है। माना जा रहा था कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद ही केसीआर अपने बेटे को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां सौंप देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब तेलंगाना में फरवरी के आखिर तक सत्ता का हस्तांतरण हो सकता है, केटीआर नए सीएम बनाए जा सकते हैं। इन अटकलों को उस वक्त और बल मिल गया जब टीआरएस ने एक बयान जारी करके कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर का दृढ़ता से मानना है और उन्हें भरोसा है कि केटीआर के काम करने की शैली, प्रतिबद्धता और नेतृत्व करने का गुण आने वाले दिनों में पार्टी को कुशल और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। कहा जा रहा है कि सूबे में सीएम का चेहरा बदलने के लिए केसीआर ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें केटीआर को नए कैबिनेट में शामिल किए जाने की संभावना है। अब तेलंगाना में अटकलों का बाजार तो गर्मा रहा है, मगर देखना होगा कि ये परिवर्तन कब तक होता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।